हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट विजन। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई एम बिफोर यू विथ स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आई एम अपीयर्ड टू यू विथ स्पेशल स्पोकन सेंटेंसेस यूज्ड बाय यू in daily life. If you can practice these sentences, you can easily speak English fluently with your family members. So come on dear students, one by one I explain all the 20 sentences or phrases which can help you a lot to speak English in your family as well as in market, in schools, in colleges or anywhere whether you visit, you can easily practice these sentences to show your skill in spoken English. So come on guys, at first प्यारे दोस्तों, आप लोग बोलते होंगे कि मुझे निराश मत करो। आप अपने बच्चे को बोलते हैं, बाबू मुझे निराश मत करो। आप बोल बस कोई बोलता है ना, अपने माँ बाप को निराश मत करो। तो डोंट लेट मी डाउन, मुझे निराश मत करो, डोंट लेट मी डाउन। बच्चे को बोल रहे हैं अपने माता पिता को निराश मत करो, डोंट लेट योर पेरेंट्स डाउन। देखिए कितना इजी है, ये तो एक बस एग्जाम्पल हुआ दोस्तों। लेट मी, डोंट लेट मी डाउन, मुझे निराश मत करो। यहां आप बदल सकते हैं ना, अपने माता पिता को निराश मत करो, डोंट लेट योर पेरेंट्स डाउन। नेक्स्ट है, उससे पंगा मत लो, डोंट मेस विथ हिम। आप ये बोल सकते हैं, पुलिस से पंगा मत लो, डोंट मेस विथ पुलिस। बोल सकते हैं, डाकुओं से पंगा मत लो, डोंट मेस विथ रॉबर्स। बहुत आसान है, तुमने मेरा मूड ऑफ कर दिया, यू स्पॉइल्ड माय मूड, यू स्पॉइल्ड माय मूड। ऐसे बोल सकते हैं, मेरा मूड खराब हो गया भाई, माय मूड इज स्पॉइल्ड, माई मूड इज स्पॉइल्ड। ऐसा बोल सकते हैं, मेरा काम करा दीजिए प्लीज, तो प्लीज गेट माई वर्क डन। मेरा काम करा दीजिए प्लीज, गेट माई वर्क डन। पूछकर बताओ, पूछकर बताओ, किसी को कह रहे हैं जाओ पापा से पूछकर बताओ, गो आस्क पापा एंड लेट मी नो, गो एंड आस्क पापा एंड लेट मी नो। सिंपली बोल सकते हैं, आस्क योर पापा एंड लेट मी नो, पापा से पूछकर बताओ। अक्सर हम लोग घर में बोलते हैं ना, जिसका कोई स्टैंड नहीं होता, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, कभी ये बात कभी वो बात, तो उसको हम लोग बोलते हैं बिना पेंदी का लोटा। वह बिना पेंदी का लोटा है, ही इज ए रोलिंग स्टोन, ही इज ए रोलिंग स्टोन। ध्यान दो कितना इजी है, ही इज ए रोलिंग स्टोन, डोंट बी ए रोलिंग स्टोन। बिना पेंदी का लोटा मत बनो, डोंट बी ए रोलिंग स्टोन। मुझे ऐसा वैसा मत समझो, रिफ रैप होता ऐसा वैसा, डोंट टेक मी एज रिफ रैप। मुझे ऐसा वैसा मत समझो, डोंट टेक मी एज रिफ रैप। मुझे ऐरा गैरा मत समझो, आई एम नॉट डिक एंड हैरी। ऐरा गैरा का डिक एंड हैरी, आई एम नॉट डिक एंड हैरी। उसे ऐरा गैरा मत समझो, डोंट टेक हिम एज डिक एंड हैरी। जो भी हो मैं देख लूंगा, एनी वे व्हाट मे आई विल फेस। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हिंदी में, खैर जो भी हो मैं देख लूंगा, एनी वे व्हाट मे आई विल फेस।
साफ साफ बोलो, से फ्रेंकली, साफ साफ बोलो, से फ्रेंकली, आज बहुत गर्मी है, इट इज टेरिबली हॉट टुडे, कल बहुत गर्मी थी, इट वॉज टेरिबली हॉट यस्टरडे, ये क्या बदतमीजी है, व्हाट द हेल, ये क्या बदतमीजी है, व्हाट द हेल, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, व्हाट्स रॉन्ग हैव आई डन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, व्हाट्स रॉन्ग हैव आई डन, वो तो खानदानी मूर्ख है, ही इज ए ब्लडी फूल, सो बोलेंगे वह तो खानदानी पागल है, मूर्ख नहीं, वह खानदानी पागल है, तो ही इज ए ब्लडी फूल, ये एक तरह से एब्यूज हुआ, एब्यूजिंग है, एक तरह से गाली है, ये तो सीखना नहीं चाहिए, बट अगर कोई इस तरह बोल रहा है तो इसका मीनिंग आप तो जवाब तो दे ही सकते हैं ना, अपनी हद में रहो, अपनी औकात में रहो, तो बी इन योर लिमिट, नहीं तो मैं तुम्हारा थोपड़ा बिगाड़ दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारा थोपड़ा बिगाड़ दूंगा, अदरवाइज आई विल स्मैश योर फेस, आई विल स्मैश योर फेस, चलो अपना पेंसिल साफ कर लो, पेंसिल साफ करने के लिए बच्चे को आप बोलते हैं ना, कम ऑन शार्पन योर पेंसिल, कम ऑन शार्पन योर पेंसिल, अपना पेंसिल साफ कर लो, मतलब छील लो, तो कम ऑन शार्पन योर पेंसिल, मुझे बुरा मत समझो, डोंट गेट मी रॉन्ग, उसे बुरा मत समझो, डोंट गेट हिम रॉन्ग, घी में आग डालना ये होता है ना, सब उल्टा बदला रहे, आग में घी डालना, आग में घी डालना, तो आग में घी मत डालो, डोंट फैन द फ्लेम, तो उसकी तो आदत है आग में घी डालना, इट इज हिज हैबिट टू फैन द फ्लेम, आग में घी मत डालो, डोंट फैन द फ्लेम, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना, कॉन्वे माई एपोलॉजी, इसको बोल सकते हैं, मेरी ओर से मम्मी पापा से क्षमा मांग लेना, कॉन्वे माई एपोलॉजीज टू पेरेंट्स, कितना आसान है इस, ये सेंटेंस जो है, ये जो फ्रेजेज है, इसको आप 10 तरीके से यूज कर सकते हैं, और ये आपके स्पोकन में बहुत काम आएगा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे ईमानदारी से प्रैक्टिस करें, मैं श्योर हूं कि आप आराम से बोलना सीखेंगे, और बहुत बेनिफिशियल है ये, 20 सेंटेंसेस ओनली नहीं है, ये 20 नंबर्स मत देखो यार, देखो कि इसमें क्या क्या चीज है जो आप सैकड़ों तरीके से इसका यूज कर सकते हो हर जगह पर, और प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं अपनी पढ़ाई को पहुंचा सकूं, अपने ज्ञान को बांट सकूं और वो लाभान्वित हो सके, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अब वीडियो पर कमेंट भी करें आप, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट डे।